देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते जल प्रलय जैसे हालात खड़े हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश के चलते बुरा हाल है। कई इलाकों से बाढ़ की भयानक तस्वीरें देखी जा रही हैं। कहीं घर नदियों में समा गए हैं तो कहीं पूरे पूरे इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। लोगों को घरों से निकलकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो 11 जुलाई तक देश के 18 राज्यों में 178 जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं और जान माल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 574 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग गायब बताए जा रहे हैं, 457 लोग घायल हैं, वहीं 8674 मवेशियों की भी बारिश के चलते मौत हो चुकी है। 8815 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 47225 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। पहाड़ी राज्य के 12 जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते अब तक कुल 95 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग लापता हैं जबकि 99 लोग घायल हैं। 76 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जबकि 319 मकानों का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। 471 जानवरों की मौत हुई है। वहीं पंजाब और हरियाणा में कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मंगलवार को बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 और लोगों की मौत की सूचना मिली, जिसके साथ पिछले 3 दिनों में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पंजाब में 8 मौतें हुई हैं, जबकि हरियाणा में 7 लोगों की जान चली गई। दोनों राज्यों में बचाव अभियान जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को ओल्ड रेलवे ब्रिज पर नदी का जलस्तर 207.25 मीटर दर्ज किया गया। यमुना का उच्चतम बाढ़ स्तर 207.49 मीटर के करीब है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों ने घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।